नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। महंगाई से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को एक और झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दामों में उछाल के बीच अब सीएनजी और पीएनजी गैस के दाम ने भी छलांग लगाई है। आईजीएल ने आज इन कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दामों की बात की जाए तो 24 मार्च सुबह 6 बजे से इसकी बढ़ी हुई नई कीमतें लागू हो जाएंगी। घरेलू पीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलो जबकि सीएनजी के दाम 50 पैसे प्रति किलो बढ़ाए गए हैं। बढ़ी कीमतों के बाद पीएनजी 37 रुपए 61 पैसे और सीएनजी 35 रुपए 86 पैसे प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में पीएनजी गैस की कीमत बढ़कर 35 रुपए 86 पैसे प्रति एसएम हो गई है। वहीं गाजियाबाद में भी इसकी कीमत 35 रुपए 86 पैसे प्रति किलो हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने मैसेज में कहा है कि वो इनपुट गैस कॉस्ट बढ़ने की वजह से डोमेस्टिक पीएनजी की कीमतों में वृद्धि कर रही है। इससे पहले दिल्ली में लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में आज डीजल की कीमत 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर है, वहीं पेट्रोल की कीमत बढ़कर 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। तो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में मंगलवार से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब 949 रुपए 50 पैसे हो गई है। रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी के बाद मुंबई में अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 949 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं कोलकाता में अब आपको घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए 976 रुपए चुकाने होंगे। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ईंधन की कीमतों में ये बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उछाल के कारण हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।